दोस्तों, आधा वर्ष में अनीस अहमद खान हिंदुवर्ष से आपसे मुखातिब हुई। बहुत बड़ी खबर है, मार्च 2020 में जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरी थी, उसके गिराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा हाथ था। वहां अमित शाह नहीं थे, नरेंद्र मोदी थे। ये बात कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार को गिराने के पीछे लगे 2-3 साल से लगी हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने खुलासा इंदौर में बीजेपी के एक किसान सम्मेलन में किया, आप वीडियो देख सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की। कैलाश विजयवर्गीय बड़े दावे से साथ कह रहे हैं कि आप किसी को बताना नहीं, पब्लिक डोमेन पे बोल रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और पहली बार इस मन से बता रहा हूं कि कमलनाथ की सरकार गिराने में यदि किसी की भूमिका थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी या अमित शाह जी की नहीं थी। जिस मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया उस मंच पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी मौजूद थे। वहां पर से बोल रहे थे, किसानों की सभा में बोल रहे थे वो। आजकल क्योंकि एक चीज चली हुई है कि जो किसान मूवमेंट चल रहा है दिल्ली को जिसने घेर रखा है, उसको गिराने के लिए बीजेपी ने इसी तरीके से 400 से ज़्यादा सभाओं के आयोजन कर रहे हैं और जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। वो बड़े बड़े नेता इनकी जाके उनको संबोधित करते हैं। पूरे भारत में इस तरीके से उन्होंने सभाएं करना शुरू किया है। हालांकि इस कमलनाथ सरकार गिराने के बाद जून में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात कही थी कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व यानी कांग्रेस को गिराने में हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव रहा है और उसने फैसला किया था। हालांकि आपको पता है कि कैलाश विजयवर्गीय के इस सनसनी खोज वीडियो आने के बाद मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अब ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद असंवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक रूप से गिराते हैं। मोदी जी, संविधान मोदी जी के पास है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखते। उन्होंने सब पहले दिन जाके संविधान के चरण छुए थे किताब के, तो उसके बाद उन्होंने भूल गए वो संविधान की कोई चीज़ है। कहते हैं ना वो गालिब कर से शेर है, मुस्तनिद है मेरा फरमाए, मैंने जो कह दिया वो बस पत्थर की लकीर है, वो मोदी जी के। लेकिन अब एक पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण महासचिव ये नाम लेके खुलासा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी को बताना नहीं। मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मोदी जी ने सरकार गिराई थी। सरकार जो गिरी जब, तो उन्होंने उनके आंतरिक जो झगड़े थे कांग्रेस को, उसको दोषी ठहराया। उसी में ज्योतिर्दत्त सिंधिया निकले, ज्योतिर्दत्त सिंधिया को पटाया गया, उन्होंने अपने समर्थक जो थे उनको लेके अलग हुए। अलग होने के बाद सरकार गिर गई, फिर चुनाव हुए उसमें जिता दिया गया। कितने कितने रुपए दिए गए उसकी हम बात बताते नहीं, क्योंकि दिए तो ज़रूर गए हैं और चुनाव में भी उनको जिताया गया इसी तरीके से। अब वही लोग जिनको लाल बत्तियां थी वो जीत गया है, उनको मंत्री पद नहीं मिला तो नाक में दम कर रहे हैं, तो फिर पार्टी छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेसी बिके हुए माल का तो यही होता है, कोई भी खरीद ले। जो आपको पता है ज्योतिर्दत्त सिंधिया 22 विधायक जो है जो लेके अलग हुए थे, उनको मंत्री भी शामिल थे, उनसे पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दिलवा कर वो लाए थे। मध्य प्रदेश के सुचारू रूप से चल रही कमलनाथ की सरकार को इसी तरीके से गिराया गया था। वैसे भाजपा के ऐसा ही कर्नाटका में किया था, 2019 नवंबर में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई थी, जिसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कि कुछ टेलीफोन टेप आए थे, उनमें सीधा सीधा बात हो रही थी, आला कमान ने ऑर्डर दिया कि आप लोग ऐसा ऐसा कीजिए तो हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, 50-50 करोड़ रुपए की उसमें बात कही गई थी। और ये सब उन्होंने कहा था केंद्रीय, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व के
इशारे पर उग रहा है और ये उन्होंने कहा है तो हम कर रहे हैं। इसमें इसके बाद ही 2019 में राजस्थान सरकार गिराने की बात भी हुई थी, जिसमें इन सबको ये ऑपरेशन ब्लैक कमल कहते हैं। इस तरीके की जो भी ऑपरेशन होता है उसे ब्लैक कमल कहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लेकिन राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो रणनीति थी उससे मात खा गए और वापस फिर जो पायलट साहब हैं उनको पार्टी में आना पड़ा और खुद्दे लगी हुई है इस वक्त। अब भी कोशिश उनके ऊपर हो रही कि वो फिर से टूट जाए, तो भैया एक बार जो टूटा है वो तो टूटते ही रहता है, उसके लिए कोई कैसे नहीं कह सकते। लेकिन अब नहीं टूट रहे क्योंकि उन्होंने उनको लतिया दिया और इन्होंने उनको खुद्दे लगा दिया। ब्लैक जो कमल है इन्होंने महाराष्ट्र में भी चलाना चाहा था, लेकिन वहाँ पर जो सीनियर पवार साहब हैं उन्होंने ही चलने दी, वो इनसे भी ज़्यादा तेज थे। भाजपा इसमें अपना हाथ नहीं मानती, पर ज्योतिदत्त सिंधिया के राज्यसभा में लाने पर ये बात खुल के हो गई कि बार्गेनिंग के साथ हो गया था। तो इन्हीं के आदमी जो कहते हैं ना घर में आग लग गई घर के चिराग से, विजय वर्गीस ने ये राज खोल दिया कि मोदी जी खुद इन सबको इनिशिएट करते हैं सरकार गिराने को। खामोखा बेचारे अमित शाह जी बदनाम है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।